इजरायली प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थी गोल्डा मायर उसका नाम था, उससे वाशिंगटन पोस्ट या गालिबन न्यूयॉर्क टाइम्स का उस दौर का कोई नुमाइंदा पूछता आगे कि आपने गल्फ वॉर में तमाम अरब कंट्रीज को पूरी तरह लिताड़ के रख दिया, शिकस्त दे दी अरब वॉर में, कैसे सारा कुछ बेच दिया आपने और अमेरिका से असला खरीद लिया, खाने को तुम लोगों के पास था कुछ नहीं, इतना बड़ा रिस्क ले लिया क्यों, कहां से दस मिला? वो यहूदी मुल्क की एक नजरियाती यहूदी मुल्क, दुनिया में दो नजरियाती रियासत, एक पाकिस्तान एक इजराइल, वो यहूदियों के नजरिए पे बना और ये रियासत मदीना के बाद पहली रियासत जो इस्लाम के नाम पे बनी। वो यहूदियों के वजीर आजम जवाब देती है कि मुझे ये 10 मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला कि मैंने सब कुछ बेच के असला खरीद लिया अमेरिका से। कहते वो किस तरह, कहते वो ऐसे है कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने जब इस दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमाया तो घर में चिराग जलाने के लिए तेल मौजूद नहीं था, लेकिन घर की दीवार पे 7 या 9 तलवारें लटक रही थी। मुझे दर्श मिला कि मुसलमानों के घर में भूख प्यास का आलम हो सकता है, वो अपनी गैरत पे समझौता नहीं कर सकता।